है दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी। खाना पेट में पच रहा है या सड़ रहा है, बहुत सारे चीज़ें आपके मन में चलती होंगी। तो हाय दोस्त, मैं हूँ दिनेश, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपके पेट के अंदर खाना, खाया हुआ खाना या भोजन पच रहा है या सड़ रहा है। देखिए दोस्त, सारा खेल पेट का ही है। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं सारा खेल पेट से जुड़ा है। यानी कि आप सीधे भाषा में कह सकते हैं कि शरीर में 90% होने वाली जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं पेट से ही जुड़ी हुई हैं। तो हमें जानना ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे शरीर के अंदर जो खाना हमने खाया है वो पच रहा है या सड़ रहा है। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके आज ही इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज़, आपके अंदर पेट के अंदर, पेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके डाइजेशन में काम करता है, आपके पेट की समस्याओं को दूर करता है, आपकी पेट की समस्याओं को बढ़ाता भी है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि खाना पच रहा है या सड़ रहा है। ये तो हमने कभी जाना ही नहीं। सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमें डकारे आती है बहुत ज़्यादा। देखिए एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, आप खाना खाते 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 जब ऊब गए, यही आप गलती करते हो, उसके बाद ठूसते जा रहे हो और डकारे आ गई, डकारे आने के बाद भी खा रहे हो, तो ये आप बहुत रॉन्ग कर रहे हो। आप बोलोगे कैसे, तो एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ कैसे है ये चीज़। देखिए सारा खेल पेट के अंदर कौन करता है, अमाशय। अमाशय बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि आप सीधे भाषा में कह सकते हैं अमाशय जो होता है आपके पेट के अंदर, अमाशय जो होता है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है। यानी कि आपके मुट्ठी में आ जाएगा, जो आपके पेट के अंदर अमाशय अपने आपके मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो उसके चार गुना हो जाता है ना। अमेजिंग, ये बातें बहुत अमेजिंग लग रही होंगी, शायद हमको ये लग रहा होगा चमत्कार, लेकिन चमत्कार नहीं है, ये ऊपर वाले की चमत्कार है कि मुट्ठी भर की चीज खाना खाने के बाद चार गुना हो जाती है। और एक टॉपिक ये है कि हमारा जो पेट के अंदर अमाशय है, अमाशय कभी भोजन को एकत्रित करके नहीं रखता, मुश्किल से 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रखता है। 2-3 घंटे के बाद अमाशय आप जितना खाया हुआ भोजन होता है सबको बाहर कर देता है, और उसमें जो हवा होती है वो डकार के रास्ते इस तरीके से निकल जाता है। लेकिन पॉइंट क्या है, आप मेरी बात सुनिए, आप मार्केट में तरह तरह के जंक फूड, समोसे, टिकिया, चाउमीन्स, बहुत सारे बर्गर, पिज्जा लोग खाते हैं, अक्सर खाते हैं कि नहीं, आज के समय का ये फैशन हो गया है। लेकिन जब वही बीमारी होती है लोगों को तो लोग क्या कहते हैं, पेट में यार गुड़ गुड़ सी लगी रहती है, पेट साफ नहीं होता, दिन में सुबह में 2-3 बार जाना पड़ता है। हम बाहर जाते हैं तो इतने सारे चली तली बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं, या मार्केट से ला के घर पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर तेल रिफाइंड वाले चीज़ें खा लेते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमें बीमारियाँ कितनी घेरी रहती है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी बातें, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। खाना खाने के बाद अमाशय तो 4 गुना हो ही जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद जो डकारे आती है उसे जानते कौन सा डकार कहते हैं, तृप्ति डकार। डकार 4 प्रकार की होती है। आप बोलोगे यार ये कहां से आ गया, डकारे 4 प्रकार की होती है, लेकिन जो खाना खाने के बाद आपके पेट के अंदर से डकारे आती हैं वो टोटल एक नाम उसको दिया जाता है, उसका नाम है तृप्ति डकार। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको पहले ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब तक आप अपने पेट के अंदर की चीजों की परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं कितना भी लेक्चर दे दूं, कितने भी टॉपिक्स बता दूं, कितने भी आयुर्वेदिक इलाज बता दूं, कुछ काम नहीं करेगा जब तक हमें यह नहीं पता होगा हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो सीधा कहने का मतलब एक पॉइंट है, अगर हम डकार आने के बाद हम इसे खाना खाते हैं, ठीक, खाना खा लिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छा खाना हो गया तो बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खा लेते हैं यहां तक, और डकारे इस तरीके से जब डकारे आते हैं उसके बाद 2-3 रोटियां ठूस लेते हैं, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। देखिए मेरी बात समझिए, अमाशय की इतनी कैपेसिटी है, अगर उसमें आप बहुत ज्यादा चीजें ठूस दोगे तो वो फिर कैसे उसको, मतलब आप प्रकार से कह सकते हो उसको किस तरीके से पीसेगी, किस तरीके से पीसेगी। अमाशय का काम है, देखिए आज तक एक सीधे भाषा में, आज तक ऐसा कोई फूड नहीं बना या कोई ऐसा खाना नहीं बना है जो इंसान को मोटा कर सके, कोई भी नहीं, ये सारा खेल अमाशय का है। इसलिए आपके पेट के अंदर जो खाना जाता है उसकी जो प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन वाली चीज़ें होती है अमाशय उसको निकाल करके आपके शरीर को देता है, आपके शरीर को देता है, जितनी वेस्टेज चीज़ें होती हैं उसको मलद्वार तक
पहुंचा देता है। ये काम होता है अमाशय का। अमाशय किसी भी चीज़ को 3 से 4 घंटे नहीं रखता है, ये ध्यान रहे। अमाशय में जो हवा भरी होती है खाना खाने के दौरान, उसे डकार के रास्ते बाहर करता है। तो ध्यान रहे, आपको कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से खाते हो तो वो खाना सड़ेगा। डकारे आने के बाद ठूस ठूस के खाते हो तो वो खाना सड़ेगा, शरीर को लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। और आपके डाउट्स सारे फीलिंग्स आपके मन में यही आएंगे, मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ खा रहा हूँ फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मेरा वेट गेन भी नहीं हो रहा, बहुत परेशान हूँ, दुबला पतला होता जाला जा रहा हूँ। यही सारी चीज़ें आपको परेशान करती चली जाएंगी। देखिए, अगर आप अपने शरीर के रोग मुक्त करना चाहते हैं, पहले अपने खान पान पर बहुत ध्यान दीजिए। खान पान पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आप भविष्य में परेशान नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी हेल्थ संबंधित जानकारी मिले तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खास करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आइकन घंटी होगी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो खासकर हेल्थ संबंधी जानकारी मैं आप तक हर दिन शेयर कर सकूँ। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गुड लक।